हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं बता दूं कि ठंडी के कारण दुकान जो मेरी क्लोज थी, आज मैंने बहुत ही दिनों के बाद मैंने अपनी दुकान ओपन की है। और मैं बता दूं, जब ठंडी का सीज़न आता है तो गाइस चौराहे की बहुत सी दुकान ऐसे हैं जो क्लोज हो जाती हैं। तो फाइनली मैंने आज अपनी दुकान ओपन की है। और गाइस, आज का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मौसम हुआ है, धूप ही धूप, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद धूप देखने को मिल रहा है गाइस। नहीं तो बस कोहरा ही कोहरा चारों तरफ था। और गाइस, मैं दुकान पे भी लेट आया हूँ, तो आज नाश्ता कुछ नहीं और जलेबी समोसा कुछ नहीं बनाना है। आज बस मुझे बनाना है मिठाई, क्योंकि मिठाई नहीं है गाइस, क्योंकि ढेर दिन से दुकान क्लोज थी तो मिठाई है नहीं, और मिठाई बनाना है और मिठाई लाना भी है गोरखपुर से। तो गाइस चलते हैं, अभी के लिए मिठाई बनाते हैं। और गाइस, मैं मिठाई की शुरुआत लाल मोहन से कर रहा हूँ, और मैं बता दूँ बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी लाल मोहन बनाता हूँ तो रच देने का मतलब ये होता है कि मतलब बिगड़ जाता है मुझसे। जैसे तेल में लाल मोहन डालता हूँ तो फट जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो मैंने यूट्यूब से देख के लाल मोहन बना रहा हूँ, तो देखते हैं गाइस बन जाता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी तैयार होने के बाद इस पर फिर मैं चूल्हे पर रखूंगा तेल, और तेल रखने के बाद फिर आता है मेरा लाल मोहन। तो देखते हैं गाइस लाल मोहन बन जाता है कि नहीं, नहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। तो गाइस, लाल मोहन के लिए मैंने ये जो है सीमा पाउडर, और मैंने बता दूं 1 किलो खोआ इसमें मिक्स करके मैंने भून लिया है। और मेरी पहली कस्टमर आप देख सकते हैं, पीठ से क्या नाम है, अनन्या गुप्ता है। इनको चाहिए लाल मोहन। लाल मोहन चाहिए ना आपको? लाल मोहन चाहिए। तो गाइस, लाल मोहन बनने के बाद बता दूं, मैं तैयारियां कर ही रहा हूँ अभी, मुझे आधे घंटे लगेंगे लाल मोहन बनाने में, और मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अनन्या, अभी आधे घंटे के बाद आपको मिलेगा लाल मोहन, ठीक ना? तब तक आप घर जाओ, हाँ, आधे घंटे के बाद आना, प्रियल को भी लेके आना अनन्या, ठीक ना? क्यूट सी अनन्या। और गाइस, आप देख सकते हैं छोटा भाई शिव कुमार भी हेल्प करा रहा है लाल मोहन बनवाने में। और अभी हम लोग गोली बना रहे हैं लाल मोहन बनाने के लिए, और तेल अभी हीट हो रहा है गाइस। तो आज देखते हैं लाल मोहन बन जाता है कि नहीं, क्योंकि डर भी लग रहा है। मैं लाल मोहन पहले कभी बनाया नहीं, एक बार मैं बना रहा था तो बिगड़ गया। तो अभी मैंने एक भंडारी से पूछा है कि क्या क्या मिक्स करूं, और मैंने यूट्यूब पर भी देखा है। तो देखते हैं गाइस लाल मोहन बन जाता है कि नहीं, अगर बन जाएगा तो हमेशा के लिए बनाऊँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं सफल हो चुका हूँ लाल मोहन बनाने में। और जैसे ही मैंने तेल में डाला, और बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना स्मूथ हो रहा है, फट भी नहीं रहा है। इसके पहले मैं बनाता था तो गड़बड़ हो जाता था, फेंकना पड़ जाता था। काफ़ी खुश भी हूँ मैं कि मतलब मैं बना ले रहा हूँ लाल मोहन। तो आज से लाल मोहन भी शुरू मेरे दुकान में। और गाइस, जैसे मैंने बोला था आधे घंटे, और लाल मोहन तैयार हो गई हमारी। और ये प्रियल है, ये कौन है? अनन्या। और इनको चाहिए लाल मोहन। हाँ जी प्रियल। और गाइस, अभी इतना बाकी भी है तो हम लोग बना ही रहे हैं, अभी इसको गोला पारना है। बहुत मेहनत भी लग रहा है लाल मोहन बनाते हुए। प्रियल क्या चाहिए तुमको? लाल मोहन इधर आ जा, प्रियल बोलेगी कुछ। मैं बताऊँ, ये बहुत स्लोली बोल रही है, ये कह रहे कि ये मैं हूँ और ये मेरे मामू हैं और ये इनका दुकान है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना प्रियल? तो प्लीज यार, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करें। और अभी मैं बता दूं, इनको लाल मोहन चाहिए तो इनको लाल मोहन मैं खिलाऊंगा, एक एक लाल मोहन तुम्हारे लिए फ्री है, ठीक? और उसके बाद जो लेना है घर ले जाना, उसका पैसा लगेगा, ठीक ना? और गाइस, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो प्रियल है, इनका भी चैनल खुलने वाला है, ब्लॉग ये भी बनाती हैं। और प्रियल, आप ब्लॉग बनाते हो ना? प्रियल अभी स्टार्ट किया। प्रियल आप ब्लॉग बनाते हो, आपका चैनल का नाम क्या है? प्रियल ब्लॉग। और गाइस, इनका भी चैनल है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका चैनल का नाम। और आप भी देखिए, बहुत ही मस्त बोलते हैं प्रियल, और ये हमसे हमेशा मिलने आती है दुकान पे। तो गाइस, ये मेरी लाल मोहन तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं शिव भाई गोली बना रहा है, अभी कुछ बाकी है, मेहनत तो बहुत लग रहा है। और ये हमारे कस्टमर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, ये है अनन्या और ये है प्रियल। और तुम प्रियल? और तेज बोलो। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे मामू है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरे मामू है। हाँ, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन
थैंक यू और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस लालमोहन तैयार होने के बाद मैं बता दूं, जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, मैं टेस्ट करने के लिए सोचा नहीं था, लेकिन जैसे प्रियल और अनन्या आए हैं तो इनके साथ ही टेस्ट किया जाएगा और इनसे भी पूछेंगे कि कैसा हमने बनाया लालमोहन, और टेस्ट करने के बाद ये ले जाएंगे घर। हाँ प्रियल, करते हैं ना टेस्ट? हाँ सही सही बताना कैसा बनाया। ये लो और ये तो मैं भी, गाइस मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। कितना ले जाओगे घर? 1 किलो बांध दे, 1 किलो पैक कर दे, पापा से पैसा ले लेंगे जाके। हाँ ओके गाइस, ये हमारी हेल्प आ रही हैं और लालमोहन ये भी बनवा रहे हैं। ये खुद कह रही है ना कि मैं लालमोहन बनाना चाहती हूँ, तो मैं बोला ठीक है बनाओ, और इनको मीठा पसंद है तो उनके लिए अभी चिप्स आया है। तो आप लोग बड़ी छोटो ना, आप लोग आप लोग बना नहीं पाओगे, ये इतना बहुत है, बहुत अच्छा ये आप लोग खा सकते हैं। तब तक गाइस अभी इतना बचा हुआ है, अभी इसको भी बनाते हैं, काफ़ी मेहनत भी लग रहा है। तो फाइनली ये हमारा लालमोहन जो है तैयार हो गया है गाइस, और ये मैं तैयार कर रहा हूँ लड्डू जो बुनिया, और मैं बता दूँ काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी मेरी दुकान और मेरे काउंटर में थोड़ी सी मिठाई नहीं थी, तो बस सुबह से वही काम कर रहा हूँ मैं, मिठाई भर रहा हूँ बना के। तो गाइस मैं बता दूं कि अभी वो शाम भी हो चुका है और मैं बता दूं अभी मेरा काम जो है फाइनल हो चुका है, मूड मैं पूरी सामान बना चुका हूं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।